नमस्ते फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको दो या तीन चीज़ बताना चाह रहा था। आज हमारे त्रिपुरा के बहुत लोग बेंगलोर, चेन्नई, केरला, गुवाहाटी, शिलोंग, दिल्ली, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। बहुत लोग मुझे रोज़ फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमें वापस आना है। मुझे लगता है कि ये हमारा कर्तव्य बनता है, इट इज़ अ ड्यूटी to get our people back to our state. Government, मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद बात किया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल भी एक दायित्व बनता है कि मैं अपने त्रिपुरासा लोगों के लिए कुछ करूं और अपने त्रिपुरा के लोगों के लिए कुछ करूं। इसके लिए मैंने अपने तरफ से हमारे जो भी लोगों को वापस आना है, हम एक सिस्टम बना रहे हैं, मैंने अपने तरफ से 5 लाख रुपए मैंने डोनेट करने का प्लान बनाया है और मैंने तय किया है कि अपने त्रिपुरा मोथा के थ्रू हमारे जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, जो जेन्यून केसेस है, जिनके पास सचमुच फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत लोग फाइनेंशियली ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जिनको ज़रूरत है पैसे के लिए वापस घर आने के लिए, तो एक सिस्टम बनाकर 5 लाख रुपए मैंने अपने तरफ से डोनेट किया है। और मैंने अपने त्रिपुरा के और त्रिपुरा के बाहर भी बहुत लोग हैं जो जिनके पास पैसा है, मैंने उनको भी कहा है कि हमारे संगठन में आप डोनेट करके हमारे जो भी बाहर के लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको आना है, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको उनके लिए उनको मदद करने के लिए, उनके टिकट के लिए, उनको वापस आने के लिए हमें रुपया डालकर उनको वापस लाना चाहिए। ये मैंने खुद इनिशिएटिव अपने आप से लिया है। मुझे लगता है कि ये समय है हमको दिखाना चाहिए कि हम अपने दोफा के साथ हैं, हम अपने कम्युनिटी के साथ हैं। ये समय नहीं है कि मैं उस पार्टी में हूँ, मैं उस दल में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये टाइम नहीं है। दूसरा बात है कि मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोगों ने हमें हेल्प किया है, किसी ने 100 रुपये देकर, किसी ने 500, किसी ने 700, किसी ने 2000, बहुत लोगों ने अपने सैलरी से मुझे रुपया दिया है। बंगालीज़ हो, चाकमास हो, देबर्मास हो, रियांग्स हो, सब ने किया है। लेकिन मैं तभी भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस समय आप एक होकर हमारे कम्युनिटी के लिए काम कीजिए और हमें सहायता कीजिए। बेलाइनो हम्बा, धन्यवाद, शुक्रिया।